बॉलीवुड के पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फैंस की पसंदीदा जोड़ियों में से एक हैं। दोनों को एक दूसरे की फैमिली के साथ भी देखा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आलिया और रणबीर बॉलीवुड के पावर कपल बन चुके हैं। रणबीर और आलिया दोनों ही अपनी पीढ़ी के सुपरस्टार, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते हैं। रणबीर की बात करें तो रणबीर की कुल संपत्ति लगभग 322 करोड़ रुपए है। उनकी कुल संपत्ति में मुंबई में उनके शानदार घर के साथ साथ देश भर में उनकी कई प्रॉपर्टी शामिल है जो लगभग 16 करोड़ रुपए हैं। हम सभी जानते हैं कि रणबीर को गाड़ियों का काफ़ी शौक है। उनके पास रेंज रोवर वोग जो लगभग 1.6 करोड़ रुपए की है, साथ ही उनके पास एक मर्सिडीज बैन G63 AMG जो 2.14 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा रणबीर के पास कई ब्रांड एंडोर्समेंट भी हैं। प्रॉपर्टी और फिल्मों के अलावा रणबीर ने इंडियन सुपर लीग की टीम मुंबई FC में निवेश किया है। इस वक्त उनके पास ब्रह्मास्त्र एनिमल, समशेरा और लव रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म है। दूसरी ओर आलिया की कुल संपत्ति की बात करें तो अभिनेत्री अपने 9 साल के लंबे करियर में काफ़ी लोकप्रिय होने में सफल रही हैं। आलिया की कुल संपत्ति लगभग 74 करोड़ रुपए है। आलिया के पास बांद्रा में एक घर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घर की कीमत 32 करोड़ रुपए है। इसके अलावा आलिया के पास एक वैनिटी वैन भी है जिसे गौरी खान ने डिज़ाइन किया है। आलिया के पास लंदन के एक पॉश इलाके में भी घर है। रणबीर की तरह आलिया के पास भी कई महंगी कारें हैं। एक्ट्रेस के पास रेंज रोवर वोग है जिसकी कीमत 1.74 करोड़ रुपये है। ऑडी A6 जो 61 लाख रुपए की है और एक BMW 7 सीरीज भी है जो 1.37 करोड़ रुपए की है। जब ब्रांड एंडोर्समेंट की बात आती है तो आलिया इस मामले में हर किसी की पहली पसंद है। हाल ही में आलिया ने बच्चों के कपड़ों का ब्रांड एड ए मम्मा और उनका प्रोडक्शन हाउस इटरनल सनशाइन प्रोडक्शन शुरू किया है। आलिया ने शाहरुख खान के साथ अपनी पहली परियोजना डार्लिंग्स का सह निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है जिसमें वो एक्टिंग भी करेंगी। इसके अलावा उनके पास RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, तख्त, ब्रह्मास्त्र, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी हैं।